वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यहूदी धर्म की 6 बड़ी बातें। सबसे पहली बात, दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है यहूदी धर्म। लगभग 4000 साल पुराना ये धर्म वर्तमान में इसराइल का राज धर्म है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगम्बर हजरत इब्राहिम से मानी जाती है, जो ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुए थे। हजरत इब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगम्बर मूसा का है। हजरत मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार है। हजरत मूसा को ही पहले से चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। हजरत मूसा के बाद यहूदियों को विश्वास है कि कयामत के समय हमारा अगला पैगंबर आएगा। मूसा मिस्र के फराओ के जमाने में हुए थे। ऐसा माना जाता है कि उनको उनकी माँ ने नील नदी में बहा दिया था। उनको फिर फराओ की पत्नी ने पाला था। बड़े होकर वे मिस्र के राजकुमार बने। बाद में मूसा को मालूम हुआ कि वे तो यहूदी हैं और उनका यहूदी राष्ट्र अत्याचार सह रहा है और यहाँ यहूदी गुलाम है, तो उन्होंने यहूदियों को इकट्ठा कर उनमें नई जागृति महसूस करवाई। मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले थे। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओ को हरा कर यहूदियों को आजाद कराया और मिस्र से पुनः उनकी भूमि इसराइल में यहूदियों को पहुँचाया। इसके बाद मूसा ने इसराइल में इसराइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सैद्धांतिक हैं। दूसरी बात है, दुनिया के प्राचीन धर्मों में से एक यहूदी धर्म से ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। इस्लाम की एक ईश्वर की परिकल्पना, खतना, बुत परस्ती का विरोध, नमाज, हज, रोजा, जकात, सूदखोरी का विरोध, कयामत, कोशर यानी कि हराम और हलाल, पवित्र दिन यानी कि सबाब और उमा जैसी सभी बातें यहूदी धर्म से ली गई हैं। पवित्र भूमि, धार्मिक ग्रंथ, अंजील, हदीस और तालमुद की कल्पना एक ही है। ईसाई और इस्लाम ने आदम, हव्वा, इब्राहिम, नूह, दाऊद, इसाक, इस्माइल, इलियास, सोलोमन सभी ऐतिहासिक और महान लोग यहूदी परंपरा से ही हैं। हजरत इब्राहिम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपना पितामह मानते हैं। आदम से अब्राहिम और अब्राहिम से मूसा तक यहूदी, ईसाई और इस्लाम सभी के पैगंबर एक हैं। लेकिन मूसा के बाद यहूदियों को अपने अगले पैगंबर के आने का अब भी इंतजार है। तीसरी बात है, यहूदियों के कुल 12 कबीले थे, जिसमें से एक कबीला कश्मीर में आकर बस गया था। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहिम से मानी जाती है। पैगंबर अब्राहिम के पहले बेटे का नाम हजरत इसाक और दूसरे का नाम हजरत इस्माइल अलैक था। दोनों के पिता एक थे किंतु माँ अलग थी। हजरत इसाक की माँ का नाम सारा था और हजरत इस्माइल की माँ का नाम हाजरा था। पैगंबर अब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था। याकूब का ही दूसरा नाम इसराइल था। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इसराइल बनाया था। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा, यहूदा के नाम पर ही उसके वंशज यहूदी कहलाए और उनका धर्म यहूदी धर्म कहलाया। चौथी बात है कि यहूदी अपने ईश्वर को यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। असल में ईसाइयों की बाइबल में इस धर्म ग्रंथ को शामिल करके इसे पुराना अहदनामा या फिर ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। तनक का रचना काल है ईसा पूर्व 444 से लेकर ईसा पूर्व 100 के बीच में। यहूदी त्योहार में शुकोह, हुनक्का, पुरीम, रोशन शना, पासओवर और योम कीपुर मनाया जाता है। पांचवी बात है दोस्तों कि हजरत मूसा को ईश्वर द्वारा 10 आदेश मिले। मूसा का एक पहाड़ पर परमेश्वर से साक्षात्कार हुआ और परमेश्वर की मदद से उन्होंने फराओं को हराकर यहूदियों को आजाद कराया और मिस्र से फिर से उसकी भूमि इसराइल में यहूदियों को पहुंचा दिया। इसके बाद मूसा ने इसराइल में इसराइलियों को ईश्वर द्वारा मिले 10 आदेश दिए, जो आज भी यहूदी धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। और छठी बात है कि यहूदियों का सबसे प्राचीन स्थल अब एक परिसर और पवित्र दीवार के रूप में है, जो कि जेरूसलम में है। जेरूसलम या यरूशलम इसराइल देश का विवादित शहर है। इस पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों ही दावा करते हैं, क्योंकि यही यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर हुआ करता था, जो अब एक दीवार मात्र है। यही शहर ईसा मसीह की कर्म भूमि रहा। यहीं से हजरत मोहम्मद स्वर्ग गए थे, इसीलिए ये विवाद का केंद्र है। यहीं पर मूसा ने यहूदियों को धर्म की शिक्षा दी थी।